आप रुक गई, आपका क्या नाम है बोलिए? मेरा नाम नीतू है। और आप कहाँ रहती? चांदनी चौक। मैं देखिए राह चलते लोगों से बातचीत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। उनके ओपिनियन लेता रहता हूँ। बिल्कुल। महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सब सबसे। किस चीज पे ओपिनियन ले रहे हैं? इतना ज्यादा बारिश बाढ़ देख रही, कोई व्यवस्था नहीं। अरे केजरीवाल ने बोला तो था झीलों का शहर है दिल्ली। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे मत कहिए, झीलों का शहर है दिल्ली। बारिश के पानी के सर उनके हिसाब से यही झीलों का शहर हुआ है। उन्होंने बोला था ना कि उनके राज्य में ये दिल्ली पूरा झीलों का शहर होगा, तो झीलों का शहर है ना सर, तारीफ बनती इस पर तो। और दूसरी बात हम ये कह रहे कि ये जो 24 का चुनाव होना है इसके लिए विपक्षी दल का मालूम है ना सब एक होते रहे। बिल्कुल। आपको क्या लगता? अरे सर हमारा तो इतिहास गवाह है कि जब जानवर इकट्ठा होने लगे थे, राजा तो एक ही था ना, तो वही रह गए। हमारा सनातन ही राजा है, अब कुछ भी कर लीजिए, इनकी क्या विषाद है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कह लें। हाँ बिकने वाले तो बिक भी जाएंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा सनातन ही था, सनातन है, सनातन ही रहेगा। क्या सनातन है? मतलब आप मोदी जी के बारे में बोल रही हैं? नहीं नहीं मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही, हम तो अपने सनातन के बारे में बोल रहे हैं, जो हमारे धर्म के लिए हमारे लिए खड़ा है उसके लिए बात कर रहे हैं। आप खड़े हो जाए, हम तो आपके लिए बात कर रहे हैं। नहीं क्या आप, हम तो नेतागिरी की बात कर रहे हैं। हाँ, चुनाव की बात कर रहे हैं। तो ये चुनाव में भी तो शामिल है सर, ये हर लोग चुनाव धर्म के आधार पे होना चाहिए। चुनाव में धर्म की क्या वजह? नहीं धर्म की नहीं है तो अधर्म का भी तो नहीं होना चाहिए चुनाव सर। इससे पहले अधर्म के चुनाव नहीं हुई है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, नहीं हुई है क्या? जैसे कि आपको क्या लगता है कि ये चुनाव अब धर्म का हो रहा है, पहले अधर्म था? पहले क्यों नहीं अधर्म था? पहले हम राम का नाम लेते समय डरते थे अपने गली मोहल्ले में, आज हम कहते हर हर महादेव। कौन डरता था राम? अरे बहुत जगह हुआ सर, क्या बात कर रहे हैं आप, यूपी से लेके बिहार से लेके दिल्ली तक ही देखिए ना, आज के दूसरे कंट्री हमारी मंदिर बनवा रही है और हम अपनी कंट्री में मंदिर नहीं बना सकते थे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? वो तो मुकदमा था उसका। कोई मुकदमा नहीं था सर, आपके घर पर मुकदमा हम चला सकते हैं क्या? आप बताइए ना, चला सकते हैं? कैसे चला सकते हैं सर, अगर आपके पास आप यहीं के पैदावार हैं तो कैसे चला सकते हैं हम? किसी कोई आके आप पर मुकदमा चला देगा? अब चलवा लेंगे, वाह भाई यही तो हमारा सरकार है, यही सरकार हुआ है, यही हुआ है, यही होता आ रहा था। अब थोड़ा सा अब ठीक है? अब बहुत अच्छे है सर। तो ये मंदिर के लिहाज से? मंदिर के लिहाज नहीं, धर्म के लिहाज, हर तरह के लिहाज से सर। और क्या, पूरे वर्ल्ड में हम पहचाने जा रहे हैं। अच्छा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? शिक्षा से लेके, संस्कृत से लेके, सिलेंडर से लेके। सिलेंडर का तो छोड़ो ना, सिलेंडर महंगा था तो बाकी चीज भी तो था ना उसके साथ। सिलेंडर कितना महंगा हो गया बता दीजिए, पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है, महंगाई कहाँ से आ रही है? जहाँ घर में दो बच्चे होते थे या 18-18 बच्चे हो रहे हैं किसके? तो सबके। अब ये मत कहिए किसके, सबके सर। जहाँ देखिए तो देख रहे हैं आज पॉपुलेशन दिल्ली का क्या है, आप ही बता दिया, आप पूरे मीडिया लेके घूम रहे हैं ना, आपको तो पता ही होगा दिल्ली का पॉपुलेशन कितना था पहले, आज से 20 साल पहले। और तो आज पॉपुलेशन बढ़ती है, आप तो दुनिया में हम नंबर वन हो गए। तो कैसे हो गए, कब हुए ये बताइए, अब आप बताइए कि कब हुए नंबर वन, हुए कब हम? अभी 10-15 दिन। हाँ तो क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, ये भी तो आप ही बताएंगे ना सर, हम तो वही। आपको क्या लगता है? हमें तो वही लग रहा है जो बता रही हूँ आपको, जो दुनिया देख रहा है, सबको पता है। ऐसा तो नहीं आपको ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में जितनी परेशानियाँ बुराइयाँ हैं उस सब के जिम्मेदार मुसलमान हैं? देखो सर अब ये भी तो नहीं कह सकते कि नहीं है, वही है। नहीं वही है, हैं कुछ लोग हैं, सब नहीं है सर, हैं। लेकिन जो भी परेशानी है वही हाँ, है। जय श्री राम। जय।
भावना बोल दिया आपके। चलिए हाँ जी, आपका नाम क्या है? थैंक यू सर। आपका, अरे मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ से आए? गुजरात से आया हूँ। गुजरात से? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद से। तो अभी आप ये बताइए कि गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का अभी भी वही वही है, मोदी जी का ही वही। ये जो आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में चर्चा चला था, उसका ग्राफ गिरा कि बढ़ गया? बिल्कुल गिरा। वहाँ के लोगों को दिमाग में ना? नहीं, दिमाग में नहीं है। आम आदमी पार्टी है ही नहीं दिमाग में। वहाँ कोई राजनीतिक विकल्प विरोध है या एक तरफा मामला पूरा? वन साइड, बिल्कुल वन साइड। अच्छा, 2019 में वहाँ पर 25 सीटें जीती थी सारी की सारी बीजेपी ने। आपको लगता है कि इस बार उसको दोहरा पाएंगे या कुछ कम हो जाएगा? यस, दोहरा पाएंगे सारी की सारी, सारी से सारी। मैं भी ये मानता हूँ कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मामला बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, दूरदर्शन में जॉब करता था। तो दिल्ली में रहते हैं? नहीं, अहमदाबाद में। घूमने? हाँ, घूमने आया हूँ। अहमदाबाद और गांधीनगर से दिल्ली ठीक लगा? ठीक लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं। गांधीनगर जितना अच्छा नहीं। मौसम भी थोड़ा, मौसम भी बराबर है। चलिए ठीक है, अब मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो मैं कनॉट प्लेस में लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कहाँ घर है आपका? केरला। हाँ, केरला। निशा, निशा गुंडा, 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 निशा। एक मिनट। अरे कोई बात नहीं, आप हिंदी भी बोलते हो कि नहीं? थोड़ा सा, पूरा हिंदी इंग्लिश है मालूम है। हाँ, पूरा हिंदी इंग्लिश मालूम है आदमी आया। चलो आने दो, तब तक आपसे ये बताइए कि केरला का क्या माहौल है यार? ये पॉलिटिकल, ये कांग्रेस और लेफ्ट उधर तो आमने सामने लड़ता, इधर आगे दोस्ती करता कि चलो मोदी के। हाँ, पूरा पॉपुलेशन का कॉमेडी है उधर से केरला में। ये क्या चक्कर है? है? इधर तो एक साथ एक रूम में बैठ रहा मोदी के खिलाफ, अपोजिशन के यूनिटी कर रहा, वहाँ आमने सामने लड़ता है? हाँ, आमने सामने, उधर से पूरा ब्रदर्स एंड पॉलिटिकल नो प्रॉब्लम, उधर से लेफ्ट एंड राइट पूरा प्रॉब्लम, इधर से दोस्त है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली का। दो दिन तो बहुत तगड़ी बारिश हुई और मैं एक चाय की दुकान पर आया हूँ। बारिश के बाद मौसम तो ठीक हो गया? हाँ, मौसम ठीक है, मौसम बहुत काफ़ी फर्क पड़ गया है बरसात होने से। और देखो, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर को। चिट्ठी में लिखा, दो दिन से बारिश तो नहीं हो रही लेकिन हथनी कुंड बैराज से इतना पानी छोड़ रहे, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी। हाँ, तो पानी से छोड़ दिया है पानी, अब तो लोगों के नीचे उसमें से जमुना में से निकाल के बाहर भी कर रहे हैं वो। सब लोग अपने अपने खाट पाट लेकर के बेचारे किनारे आके बैठे हुए हैं। उन्होंने तो झोपड़ी को दवाई तबाही कर दी पानी का, छोड़ते हैं। लेकिन देखो अंकल, आप ये भी मानोगे कि देश अगर बारिश हो जाती है तो मुंबई, कभी देखो मुंबई एकदम ठप हो जाती, कभी दिल्ली ठप हो जाती, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे। मैं सरकारों की, केंद्र राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ड्रेनेज सिस्टम शहरों में उस तरह से नहीं है। बड़ा अजीबोगरीब है कि देखिए, जितनी भी पक्की कॉलोनीज हैं, गवर्नमेंट की कॉलोनीज हैं, इनके अंदर तो सारा सिस्टम ठीक है। जो अभी लोकल लोगों ने आकर के बसाई बसे हैं लोग, अनऑथराइज एक ऐसी प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए, जहाँ पर हर तरह के ला कानून सब टूटते रहते हैं। पानी का कोई सिस्टम उनका अगर आप प्रोवाइड भी करते हैं तो उसको सेफ नहीं रखते हैं। यहाँ पर बाथरूम बने हुए, सब कुछ बने हुए। अभी जाएंगे तो देखिए, कोई टंकी तोड़ के ले जा रहा है, कोई टाइप खोल के जा रहा है। मतलब कहने का कि ये यहाँ का जो ये तप्पा है ना, वो दिल्ली को बदनाम कर रहा है। बाकी यहाँ तो एक से वर्ल्ड के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के कोई बात ही नहीं है मतलब। लेकिन जो ये लोग आए ना, लोकल लोग, इन्होंने बेगा घर करके रख दिया है। अच्छा, बाकी मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ आजकल माहौल क्या चल रहा है, लोगों के बीच में चर्चा, ये सियासत की, ये मुद्दों की, ये नेताओं की, ये चुनाव की कुछ चर्चा है? देखो, इतनी खास चर्चा तो राहों में नहीं होती, हमने ये देखा है। क्योंकि ये जहाँ बैठे हैं आप ना, जहाँ बैठे हैं, ये एक ऐसा एक मुकाम है जहाँ पे हर तरह के, हर और इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं। आते हैं। पहले क्या हुआ था कि बातचीत होती भी थी, लेकिन अब इतनी बातें नहीं होती हैं, लोगों के पास तो टाइम नहीं है इन सियासत वालों के बात, क्योंकि सियासत से लोग ऊब गए हैं, पढ़े लिखे लोग सियासत से ऊब गए हैं।
अनपढ़ लोग तो वैसे सियासत नहीं करते थे बेचारे, वही तो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पर लगे हैं। मेरी चाय ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं, चलिए आप पीते रहिए, चर्चा करते रहते। तो वो वाली बात है कि सियासत वाले तो सियासत कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो जो मर्जी स्टेज पे बोल देते हैं यहाँ पानी नहीं आ रहा स्टेप, और तो पानी आ रहा है, अब कौन स्टेप जाके बोले कि कहाँ पानी आ रहा है बताओ, झूठे बोले जा रहे हो। तो ये तो पॉलिटिक्स की बात है, वो तो वहाँ पर अपना स्टेज पे बोलते हैं ना, लेकिन जब आप जमीनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तब आपको पता चलेगा, वो हम देखते अच्छा, हैं। अभी 2024 का क्या आपको दिखाई देता है चुनाव का, ये जो विपक्षी एकता अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, अभी जो बिहार में हो रहा है? महाराष्ट्र तो अभी कांग्रेस ले जाएगी, और दिल्ली तो राजीव इसका का नाम अपना टोपी वाले की है ही है, इसका कोई चैलेंज नहीं कर सकता, दिल्ली टोपी वाले की है, अरविंद केजरीवाल टोपी लगाता है ना। तो ये उसी के लोकसभा के नहीं, लोकसभा दिल्ली की जो लोकसभा का तो